बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर जॉब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो फ्रेंड्स, आज ये पेपर हुआ है, सब इंस्पेक्टर का पेपर है, बीपीएस 14 का, पुलिस डिपार्टमेंट में यानी पीपीएससी के जरिए, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए पेपर हुआ है। तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि व्हाट इज HTTP यानी www.google.com। तो ये क्या है? ये URL है जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, ये है। क्वेश्चन नंबर दो है कि इनमें से कौन सा नावल जो है अब्दुल्ला हुसैन का है? तो ये उदास नस्लें जो है ये इन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर तीन है कि फाइंड द सिमिलर इन मीनिंग ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी का जो सिमिलर मीनिंग है, वर्ड है, वो कौन सा है? वो कॉर्प्स है, ये वर्ड है। क्वेश्चन नंबर फोर है कि इफ़ वी राइट समथिंग बट वी आर नॉट रेडी टू सेंड इट, तो इट विल गो इन टू, यानी अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं और फिर वो हम सेंड नहीं कर पाते या सेंड नहीं करते, तो वो कहाँ पर चला जाता है? वो ड्राफ्ट में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि द सिनोनिम ऑफ चेट्टी इज, चेट्टी का सिनोनिम क्या है? टालकेटिव है, यानी बातूनी। क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ टालकेटिव। टालकेटिव का करेक्ट मीनिंग क्या है? गेरुलस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है कि व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ idiom 8C। ये एक idiom है 8C, तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या है, मानी क्या है? तो पजल है। क्वेश्चन नंबर आठ है कि बर्जिल पास इज लोकेटेड इन, तो बर्जिल पास जो है ये कहाँ पर है? ये हिमालय रेंज में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन सोडा वाटर। सोडा वाटर में कौन सा गैस इस्तेमाल होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, गैस होता है। क्वेश्चन नंबर टेन को देखते हैं कि अ शॉर्टकट की इज यूज्ड टू एडिट अ सेल इज, ये कौन सी शॉर्टकट की जो है जिसके जरिए हम एक सेल को एडिट कर सकते हैं? तो ये F2 है, MS Excel में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज अ विंडो इज, एक शॉर्टकट की जो इस्तेमाल होती है, जो कि विंडो है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं? तो ये Alt F4 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि SMTP इज आ, SMTP क्या है? ये एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये इसका अब्रीविएशन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एट नाइट प्लांट्स इनटेक, रात के वक्त तो पौधे जो हैं क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। दिन के वक्त पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन खारिज करते हैं। सही है फ्रेंड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि विच ऑफ दीज कैन कैरी मोर देन 50 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट इज, यानी वो कौन सी चीज़ है जो अपने वेट के मुताबिक 50 गुना बड़ा चीज़ लेके जा सकती है? तो ये आंट है, चींटियां हैं, जैसा कि आपने देखी होंगी, बहुत भारी चीज़ इन्होंने उठाई होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अ ड्राफ्ट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसका ड्राफ्ट कब तैयार हुआ था? तो ये 10th अप्रैल 1973 को तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि करेक्ट दिस सेंटेंस, तो इस सेंटेंस को आपने करेक्ट करना है, ही इज़ अ कॉर्ड बॉय, तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगेगा कि ही इज अ कॉर्डली बॉय, यानी वो एक कॉर्डली बॉय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि शॉर्टकट की यूज टू चेक ग्रामर स्पेलिंग, ग्रामर या स्पेलिंग की चेकिंग के लिए शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल होती है? F7 होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शॉर्टकट की यूज टू डिक्रीज फॉन्ट इज, फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? तो ये कंट्रोल शिफ्ट ये वाला होता है, ये साइन जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू रेट थ्रू आर, ये सब क्या है? ये फॉन्ट इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि मिचिंग हॉरन लेक इज लोकेटेड इन, तो ये एक लेक है, तो ये कहाँ पर है? ये यूनाइटेड स्टेट यानी कनाडा में है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द सिनोनिम ऑफ मॉइस्ट यानी नमदार, तो इसका सिनोनिम क्या है? ये वेट है, गीला। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द एंटोनिम ऑफ अर्बेनिटी, अर्बेनिटी का एंटोनिम क्या है? रफनेस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है कि द एंटोनिम ऑफ नेक इज, तो इसका एंटोनिम क्या है? असिस्टेंट, असिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि द एंटोनिम ऑफ सेम्पथी इज, सेम्पथी का एंटोनिम क्या है? क्रुएल्टी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि द एंटोनिम ऑफ फ्यू, फ्यू यानी कई, फ्यू कुछ, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? मेनी यानी कई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि द एंटोनिम ऑफ विसिलेट, विसिलेट का एंटोनिम क्या है? रिसोल्यूट, रिसोल्यूट है इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है कि द एंटोनिम ऑफ इंसुलेंट, तो इंसुलेंट का एंटोनिम क्या है? तो ये पोलाइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि द एंटोनिम ऑफ ट्रांजेंट, ट्रांजेंट का एंटोनिम क्या है? परमानेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि द सिनोनिम ऑफ ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का सिनोनिम क्या है? स्टबर्न है, स्टबर्न है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि द सिनोनिम ऑफ ऑब्ज्योर इज, ऑब्ज्योर का सिनोनिम क्या है? रिनाउंस है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि द सिनोनिम ऑफ एरर इज, एरर का सिनोनिम क्या है? मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि द सिनोनिम ऑफ एसोटेरिक, एसोटेरिक का सिनोनिम क्या है? प्रिपेट है।
तो फ्रेंड्स ये था पेपर। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आते रहूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।